दोस्तों इस छोटे लड़के को सामने की आइलैंड पे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर इस लड़के से रहा नहीं जाता और लड़का किसी तरह से तैरकर उस आइलैंड पे चला आता है और फिर उस जगह पे जाता है जहाँ से उसे चमकती हुई रोशनी दिखाई दी थी। जब लड़का उस जगह पे जाता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा अंडा दिखाई देता है जो की एक चमकीली सी पत्थर पे रखी होती है। लड़का उस अंडे को उठाकर खेलने लगता है। उसके खेलने की वजह से अचानक वो अंडा फूटने लगता है और उसमें से एक नन्हा सा कछुआ निकलने लगता है। लड़का भी कछुए को अंडे से निकलने में मदद करता है। अब लड़का वहीं पे कछुए के साथ खेलने लगता है। लड़का देखता है कि कछुए के पेट पे कुछ अजीब सा निशान बना है। अब लड़का उस कछुए को अपने घर ले आता है और उसका नाम टोटो रख लेता है। लड़का घर पे भी कछुए के साथ खूब खेलता है। अगले दिन लड़का जब सोकर उठता है तब वो हैरान रह जाता है क्योंकि एक ही रात में कछुआ कल के मुकाबले दो गुना बड़ा हो गया होता है। लड़का कछुए को देख ही रहा था तभी उसका पिता कमरे में आने लगता है। अपने पिता को आते देख लड़का कछुए को एक चादर में लपेट देता है मगर उसका पिता चादर को झाड़ने लगता है। लड़का ये देखकर हैरान हो जाता है कि टोटो हवा में उड़ रहा है। तभी लड़के की पड़ोसन कछुए को उड़ता देख जोर से चीखने लगती है। पिता लड़की की ओर देखता है। उसी वक्त कछुआ उड़कर लड़के के हाथ में चला आता है और लड़का लड़की को इशारे से चुप रहने को कहता है।